हेलो एवरीवन। तो कढ़ी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तेल को गरम करते हैं। जब हमारा तेल खूब अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें डालते हैं हम सरसों और कढ़ी पत्ता। ठीक है, क्या डालते हैं? सरसों और कढ़ी पत्ता। सरसों और कढ़ी पत्ता हमने डाल दिया है, तो देख लीजिए इस तरह बन सकता है। बहुत चटक रहा है, देखिए सरसों कढ़ी पत्ता। अब इसमें हम अपना क्या करेंगे, डालेंगे जो हमने बनाया है अपनी चटनी को। ये हमारी चटनी, इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पानी मिला के थोड़ा फ्रीक करके इसमें डाल देंगे। इसको हम क्या करेंगे, हमने अपने घोल को तैयार कर लिया है मिक्सर में। हमने मूंगफली और जो है मिर्च, मूंगफली और नमक को क्या कर डाल के फ्रीक लिया है। हम लोग लहसुन नहीं खाते तो लहसुन हमने नहीं डाला है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने बनाया है इसमें डाल देंगे। देखिए, अगर आपको गाढ़ा खाना पसंद है ना, तो आप गाढ़ा क्या करिए, इस रेसिपी में क्या करिए, गाढ़ा इसको रखिए। लेकिन हम लोग बहुत गाढ़ी चटनी नहीं पसंद करते, तो थोड़ी हमारी चटनी जो है क्या है, पतली है। ठीक है ना, तो इस तरह से अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। जब पक जाएगा तो हमारी चटनी फाइनली तैयार हो जाएगा बनके। पकने के बाद हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमारी चटनी पक रही है। अगर आप मान लीजिए नमक चटनी में डाल के ना पीसना चाहें, तो आप नमक ऊपर से भी डाल सकते हैं। इस समय आप क्या कर सकते हैं, इसमें नमक डाल सकते हैं। तो जब ये देखिए इसमें उबाल आ रहा है। अब जब हमारी चटनी पक जाएगी, कुछ ही देर में हमारी चटनी क्या होगी, उबाल आएगा, हमारी चटनी फाइनली तैयार हो जाएगी। इसमें कढ़ी पत्ता और सरसों क्या करते हैं, कढ़ी पत्ता और जो सरसों होता है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। आप चाहें तो इसमें जो है चना का दाल भी डाल सकते हैं या उड़द का दाल, बट हम नहीं खाते हम लोग, तो हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया, हमने नहीं डाला है। तो इस तरह से क्या है, हमारा तैयार हो रहा है जो है, ये नारियल की चटनी है। देखिए, मूंगफली, नारियल, जो है मिर्चा डाल सकते हैं, और चाहे तो आप सिर्फ मूंगफली, मिर्चा, नमक डाल भी सकते हैं। लहसुन खाते हैं तो लहसुन के दो चार कलियाँ और हरी धनिया हो तो डाल दीजिए। ठीक है, इस समय हमारे पास हरी धनिया नहीं थी तो हमने नहीं डाला हुआ है, तो हमने सिर्फ इतना डाला हुआ है। और चाहे तो आप केवल गरी जो नारियल होता है, और नारियल मिर्चा डाल के भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो बस कुछ ही देर में हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तो हम आपको फाइनल लुक इसका दिखाते हैं कैसा लगता है। फ्रेंड्स, ये फाइनल लुक हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पकाएं ना, जो है बस छौंक के क्या करें, छौंका बस मारें उसमें, क्योंकि कोई कोई लोग पकाते भी नहीं है। तो आप चाहें तो इसको ना पकाएं, केवल छौंका इसमें लगा देंगे तो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर हो सकेगा तो मैं इसी के साथ इडली की रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं।